So yesterday we were talking about the different houses which are important from profession point of view. और हम लोगों ने we discussed about six houses. So now we let's go to the seventh house actually, कि how seventh house is important from profession point of view. Firstly, seventh house is tenth from the tenth house. So in any case, it has to be seen because that principle of astrology, Bhavati Bhavam, अगर हम tenth house से अगर profession को examine कर रहे हैं तो हमें tenth house से tenth house भी देखना पड़ेगा. तो in any case, we have to see the seventh house. वो कहते हैं कि जो seventh house है, that indicate the relationship with the people outside family. जो भी हमारे फैमिली के मेंबर नहीं हैं, उनके अलावा जो हम और लोगों से डील करते हैं या जो रिलेशनशिप हमारी मेंटेन होती है, दैट इज टू बी सीन फ्रॉम सेवेंथ हाउस. इसीलिए हम स्पाउस भी सेवेंथ हाउस से देखते हैं, क्योंकि स्पाउस जो है इज नॉट ए फैमिली मेंबर. तो जो भी हमारे फैमिली मेंबर के बाहर के लोग हैं, उनसे जो हमारा डीलिंग होता है, रिलेशनशिप होती है, वो हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं. तो इसलिए बिजनेस है, पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लीगल बॉन्ड है, कॉपरेटिव वेंचर्स हैं, पार्टनरशिप है, ये सारी चीजें जो है ये हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं. ये सारी चीजें हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए सेवेंथ हाउस को हाउस ऑफ बिजनेस भी कहते हैं. जैसे सिक्स हाउस को हाउस ऑफ सर्विस कहते हैं, तो ऐसे ही सेवेंथ हाउस को हाउस ऑफ बिजनेस कहते हैं. अर्थात मतलब अगर जैसे कहा था कि टेंथ हाउस का अगर सिक्स हाउस के साथ रिलेशन होता है, तो द पीपल और द नेटिव परसू सर्विस एज ए प्रोफेशन. लेकिन जब टेंथ हाउस का सेवेंथ हाउस के साथ एसोसिएशन होता है, तो देन यू आर लाइकली टू परसू बिजनेस एज ए प्रोफेशन. या अगर हम कहें कि सिक्स हाउस और सेवेंथ हाउस दोनों को देखें, तो सिक्स हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द सेवेंथ हाउस, देन नेचुरली your aptitude is towards service. और अगर seventh house बहुत strong है as compared to sixth house, then your aptitude is toward business. और इससे हम help from opposite sex भी देखते हैं कि opposite sex की हमें help कैसे मिलेगी, वो भी हम seventh house से examine करते हैं. तो इसलिए seventh house business के point of view से खास तौर से बहुत important है, इसलिए हम इसको house of business भी कहते हैं. अब eighth house, एट हाउस का जहां तक सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि दिस इज इलेवेंथ फ्रॉम द टेंथ हाउस. टेंथ हाउस से इलेवेंथ हाउस, इसका मतलब गेन्स इन द प्रोफेशन, प्रोफेशनल गेन्स जो है दैट वी सी फ्रॉम एट हाउस. इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक एट हाउस वेल प्लेस्ड नहीं होगा और टेंथ हाउस और एट हाउस का रिलेशनशिप नहीं होगा, तब तक यू कैन नॉट हैव गेन्स इन द प्रोफेशन. जैसे कि सिक्स हाउस तो फॉर्च्यून का है और एट्थ हाउस है गेन्स इन द प्रोफेशन. जैसे मान लीजिए कि आपका सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया, तो वो सिक्स हाउस बताया, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद भी वेदर यू विल गो टू द टॉप और नॉट, दैट इज एट्थ हाउस, दैट इज द गेन्स इन द प्रोफेशन. तो इसलिए एट्थ हाउस को हम कितना भी खराब कहें, कितना भी कहें त्रिक हाउस है, वर्स्ट हाउस है, लेकिन प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि ये गेन्स इन द प्रोफेशन है. दूसरा, ये जो हाउस है, दिस इज द हाउस ऑफ अनअर्न मनी आल्सो, जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, उस टाइप का पैसा जो आपको मिलता है, दैट इज टू बी सीन फ्रॉम एट्थ हाउस. जैसे इनहेरिटेंस है, इंश्योरेंस का पैसा है, ब्राइबरी है, या कोई हमको ऐसी दे देता है पैसा, तो जिसके लिए होता कोई हमें बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, हमारा कोई इसमें योगदान नहीं होता. तो अनअर्न्ड वेल्थ का हाउस है ये, तो उससे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड कर सकती हैं. आपका प्रोफेशन भी डिपेंड कर सकता है, बिजनेस वगैरह भी डिपेंड कर सकता है. और इसके अलावा जो एट्थ हाउस है, वो हमारा एप्टीट्यूड है, लिगेसी है, हिडन मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है, हिडन वेल्थ है, क्रॉनिक डिसीज भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं. ये हमारे जो हिडन एजेंडाज होते हैं,
क्रिमिनल बिहेवियर है, अनएथिकल डीलिंग है, ये सब हम 8th हाउस से देखते हैं। और कभी कभी जो लार्ज एंटरप्राइज होती हैं, हमारी हम बिजनेस में हैं एंड वी आर रनिंग ए लार्ज एंटरप्राइज, तो उसके लिए जो बड़े लोन की जरूरत पड़ती है वो भी हम 8th हाउस बताएगा कि ये लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हम अगर इस बिजनेस में होते हैं दैट टू वी सी फ्रॉम 8th हाउस। 9th हाउस तो है ही हाउस ऑफ फॉर्चून, तो इसलिए बिना फॉर्चून के तो कुछ नहीं मिलता आपको। तो कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस होता है हमारे हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस है दैट इज 9th हाउस। और 9th हाउस हमारा हायर एजुकेशन भी है, हायर अर्निंग है, हाई नॉलेज है, रिसर्च है, इन्वेंशन है, एक्सप्लोरेशन है, स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड है, एंड सक्सेस अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे हम कोई फॉरेन ट्रेवल वगैरह भी देखते हैं तो हम इसी से देखते हैं, एंड इट ऑल्सो इंडिकेट अबंडेंस ऑफ वेल्थ फेम एंड एमिनेंस। तो इसीलिए जब 10th हाउस का एसोसिएशन 9th हाउस के साथ होता है तो वैसे भी केंद्र और त्रिकोण का एसोसिएशन होता है तो राजयोग बन जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 10th हाउस हमारा केंद्र है और 9th हाउस त्रिकोण है, तो केंद्र और त्रिकोण का जो एसोसिएशन होता है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 11th हाउस है, इट इंडिकेट ऑल टाइप ऑफ गेन्स, सो प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, एस्पिरेशंस, होप, विशेस, रियलाइजेशंस, सक्सेस इन ऑल अंडरटेकिंग, हायर स्टडीज, फॉरेन कोलैबोरेशन, ये सब चीजें हम 11th हाउस से देखते हैं। तो इसलिए 11th हाउस भी प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको कैसे एग्जामिन करेंगे, और दूसरी चीज ये भी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट हमारे प्रोफेशन को गवर्न करेगा, कौन सा प्लैनेट हमारे प्रोफेशन को गवर्न करता है। और हम देखेंगे कि हर प्लैनेट एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वंस वी नो कि विच प्लैनेट इज गोइंग टू गवर्न आवर प्रोफेशन, तो वी कैन हैव सम आइडिया कि हमें कौन सा प्रोफेशन जो है वो परसू करना चाहिए। और जैसे हम लोग जब बात करेंगे इसको एनालाइज करने की प्रोफेशन को, तो नेचुरली वी विल स्टार्ट विद द 10th हाउस कि 10th हाउस में कौन से प्लैनेट है, कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। 10th हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, कहाँ प्लेस्ड है, किन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है और कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर कारक, और कारक हम लोगों ने कहा था कि चार कारक होते हैं, तो हर कारक की पोजीशन कहाँ कहाँ पर वो प्लेस्ड है, किन प्लैनेट के साथ और किन प्लैनेट का उसके ऊपर एस्पेक्ट है। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि डिस्पोजिटर ऑफ 10th लॉर्ड, दसवें भाव का जो स्वामी है किस राशि में है, उस राशि का स्वामी उसको हम कहते हैं डिस्पोजिटर जो है उस प्लैनेट का। 10th हाउस का लॉर्ड जिस राशि में भी प्लेस्ड है उस राशि का लॉर्ड उसको हम कहते हैं डिस्पोजिटर। तो उसकी हम पोजीशन एग्जामिन करते हैं D1 चार्ट में भी और नवांश चार्ट में भी। उसकी पोजीशन जो है बहुत मैटर करेगी, अभी आप देखेंगे D1 चार्ट में भी और D9 चार्ट में भी मैटर करेगी। जैसे अभी हमने इतने सारे हाउसेस को देखा कि वो हाउसेस भी रेलेवेंट होंगे प्रोफेशन के लिए, नॉट ओनली 10th हाउस बट ऑल दिस अदर हाउसेस आल्सो दैट वी जस्ट नाउ सॉ। और फिर बिजनेस के लिए अर्थ त्रिकोण मतलब 2nd, 6th and 10th हाउस वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और फिर साथ में हम दसवां चार्ट को एग्जामिन करेंगे विच विल क्लैरिफाई द फाइनल पोजिशन। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है प्रोफेशन को एग्जामिन करने के लिए। तो हम देखेंगे कौन सा प्लैनेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या कौन सा प्लैनेट हमारे प्रोफेशन को गवर्न करेगा, दैट वी हैव टू सी एक्चुअली। तो लॉर्ड ऑफ 10th हाउस ये तो हमने देख लिया। तो इसमें कहते हैं कि ये हमें चीजें देखनी है, जैसे कि मान लीजिए कि 10th हाउस को हमने देखा, 10th हाउस को, तो उसमें कोई प्लैनेट नहीं है मान लीजिए और ना ही किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट है। 10th हाउस में तीन तरह की सिचुएशन हो सकती हैं,
पहले सिचुएशन ये है कि ना तो उसमें कोई प्लैनेट है ना ही किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट है। तो फिर हम क्या करेंगे कि टेंथ हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, टेंथ हाउस के लॉर्ड को, और फिर जो जिस टेंथ हाउस का लॉर्ड जिस नवांश में है, टेंथ हाउस का लॉर्ड जिस नवांश में है वो उसके राशि के लॉर्ड को भी हम एग्जामिन करेंगे। तो दो प्लैनेट हो गए हमारे पास, एक तो टेंथ हाउस का लॉर्ड और दूसरा लॉर्ड ऑफ नवांश ऑक्यूपाइड बाई टेंथ लॉर्ड। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक ही प्लैनेट है जो वहां पर प्लेस्ड है या उसको एस्पेक्ट करा है, ओनली वन प्लैनेट। तो नेचुरली वो प्लैनेट हम कंसिडर करेंगे, टेंथ हाउस का लॉर्ड एग्जामिन करेंगे और लॉर्ड ऑफ नवांश ऑक्यूपाइड बाई द टेंथ लॉर्ड। सो वी विल हैव थ्री प्लैनेट इन दिस केस जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। और तीसरे केस में यह है कि लेट अस से कि देयर इज मोर देन वन प्लैनेट इन द 10th हाउस एंड द प्लैनेट इन द 10th हाउस और द प्लैनेट एस्पेक्टिंग 10th हाउस, 10th हाउस में है या एस्पेक्ट कर रहा है एक से ज्यादा प्लैनेट है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो भी प्लैनेट 10th हाउस में है या एस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा एक प्लैनेट वो, फिर 10th हाउस का लॉर्ड और लॉर्ड ऑफ नवांश ऑक्यूपाइड बाय द 10th लॉर्ड, तीन प्लैनेट को हम कंसिडर करेंगे। और इन तीनों केसेस में, इन तीनों सिचुएशंस में, क्योंकि तीन ही टाइप की सिचुएशन हो सकती हैं, कि हर सिचुएशन में जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा दैट विल डिसाइड द नेचर ऑफ योर प्रोफेशन, इनमें जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा दैट प्लैनेट विल डिसाइड द नेचर ऑफ द प्रोफेशन, कि प्रोफेशन का आपका जो नेचर है वो किस टाइप का होगा। और दूसरा ये जो हर प्लैनेट है, अब अभी देखेंगे कि हर प्लैनेट जो है वो अलग अलग प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सन है, सन फॉर एग्जांपल इट इंडिकेट्स हाई स्टेटस इन द गवर्नमेंट, बैंकर्स, पॉलिटिशियन, इन्वेस्टमेंट बैंकर, डॉक्टर्स, ज्वेलर्स एंड हेड ऑफ एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मून है ये वाटर से कनेक्टेड, जैसे नेवल ऑफिसर्स हैं, डेयरी ओनर्स हैं, ट्रेडर्स इन पर्ल्स हैं, शिपिंग मैग्नेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वाटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं या वीमेन रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मंगल है आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, इंजीनियर, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, सर्जन्स, डेंटिस्ट, लीगल पर्सन्स, स्पोर्ट्स पर्सन, वीपन, कुकिंग एंड रेलवेज को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी है राइटर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पब्लिशर, जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट्स, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर है लॉयर, जजेस, स्पिरिचुअल लीडर्स, प्रोफेसर्स, कैपिटलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस, फिलोसफर्स एंड हेड ऑफ एनजीओस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से वीनस को देखें तो वीनस फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्टिस्ट, पीपल इन द एंटरटेनमेंट फील्ड, होटलियर्स, फोटोग्राफर्स, व्हीकल डीलर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, आर्किटेक्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट, ब्यूटिशियंस। सैटर्न ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, एग्रीकल्चरिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, माइनर्स हैं, मॉन्क्स हैं, मेटल डीलर्स हैं, लॉयर, जजेस, फिलोसफर। राहु जो है वो एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस इंजीनियरिंग, रिसर्च स्कॉलर्स, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स इन द मेंटल हॉस्पिटल, डिटेक्टिव्स, मैजिशियंस, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट डीलर इन पॉइजन ड्रग एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। और केतु जो है रिलीजियस हेड, बिकॉज स्पिरिचुअल प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजर्स, लिंग्विस्ट, आईटी, डॉक्टर्स, केमिस्ट, डिटेक्टिव एजेंट्स एंड क्लीनर्स, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिसाइड करके कि कौन सा प्लैनेट आपके प्रोफेशन को गवर्न करेगा, वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट कि हमारा कौन सा प्रोफेशन हमें सूट करेगा। इसके अलावा एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि जब 10th हाउस का लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस में जाता है, 10th का लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस में जाता है, तो उससे हमें क्या इंडिकेशन मिलते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे कई सारे
योग भी बनते हैं और हमें कुछ प्रोफेशन के बारे में भी पता लगता है। टेंथ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, तो कहते हैं टेंथ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाता है तो सपोज टू बी वेरी वेरी गुड पोजीशन। और जैसा मैंने कल कहा था कि इसको हम सिंहासन योग भी कहते हैं, मीन्स यू गेट अ वेरी हाई स्टेटस इन द प्रोफेशन, टेंथ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। वैसे भी अगर आप देखें कि टेंथ इज द क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट इज अ ट्राइन हाउस, तो क्वाड्रेंट का लॉर्ड ट्राइन हाउस में गया तो वैसे भी जो है एक राजयोग बन गया कंसर्निंग प्रोफेशन, तो इसको हम सिंहासन योग कहते हैं। तो कहते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है, पर्सन इज वर्क अल्कोहलिक एंड ही राइजेस बिकॉज ऑफ द ओन एफर्ट्स, वेरी कैपेबल, लॉट ऑफ परसिवियरेंस, सेल्फ एम्प्लॉयड, सक्सेस स्टेटस, रिलेशनशिप विद पावरफुल पीपल इन द पॉलिटिक्स, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, ये सब उनके अंदर होता है। इट्स सपोज टू बी रियली वंडरफुल पोजिशन ये अगर 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है। ऐसे ही जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है, तो कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपने से फिफ्थ पोजीशन है तो 10th हाउस के लिए दिस बिकम्स द हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी आल्सो, ये 10th हाउस के लिए त्रिकोण स्थान बन जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम सिंहासन योग कहते हैं। यू गेट अ वेरी हाई पोजीशन इन द प्रोफेशन, तो यू आर फॉर्चुनेट, यू गेट स्टेटस एंड फेम ड्यू टू ओन एफर्ट्स, अनलिमिटेड पावर एंड अथॉरिटी, एंगेज इन द फैमिली बिजनेस, कल जो हमने बात की थी, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ फैमिली एंड वेल्थ आल्सो, तो अगर आप बिजनेस में है तो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर दैट यू गेट इन्वॉल्व इन द फैमिली बिजनेस। और ये हमारा खाने पीने का भी पैसे का भी हाउस है, तो मोस्टली जो आप बिजनेस आपका होता है, होटल है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या यू एक्सेल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये है रिजल्ट अगर 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। इसी तरह से जब 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है, तो थर्ड हाउस हमारा इनिशिएटिव है, या जिसको हम कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस है, एडवेंचर है, ये सब चीजें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस इज आल्सो द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली, तो आपका जो कम्युनिकेशन पावर है वो स्ट्रांग होती है। एंड थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रेवल आल्सो, जैसे हम जब ट्रेवल देखते हैं तो थर्ड हाउस से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं, सेवेंथ हाउस से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं, नाइन्थ हाउस से वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मतलब फॉरेन ट्रेवल देखते हैं, और 12th हाउस से हम फॉरेन सेटलमेंट देखते हैं। तो थर्ड हाउस से हम बहुत शॉर्ट ट्रेवल देखते हैं, तो जब भी जब 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है तो जो प्रोफेशन आपका होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट जो है वो शॉर्ट ट्रेवल इन्वॉल्व होता है उसमें जो है। बट ये जो थर्ड हाउस है ये हमारा सिक्स्थ हाउस है 10th हाउस से, सिक्स्थ हाउस है 10th हाउस, और सिक्स्थ हाउस हम जानते हैं कि इज हाउस ऑफ अपोनेंट, प्रॉब्लम फ्रॉम द अपोनेंट्स, तो तभी भी जब 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में होगा तो आपको अपोनेंट्स के साथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है जब 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है। फिर 10th हाउस का लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, तो नेचुरली जब 10th हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाएगा तो 10th हाउस को देखेगा जो कि उसकी अपनी राशि है, तो इट मेक्स राजयोग एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, क्योंकि जब 10th हाउस का लॉर्ड फोर्थ में गया तो सीधा उसको एस्पेक्ट करेगा 10th हाउस को, और वो उसका अपना साइन होगा तो राजयोग बन जाएगा। और ये भी एक काफी अच्छी पोजिशन मानी गई है, यू नेटिव हैज नॉलेज ऑफ मैनी सब्जेक्ट, वेरी वर्सटाइल, विजडम, कंपैशन, कंफर्टेबल प्रोफेशन, और क्योंकि हमारा फोर्थ हाउस बेसिकली रियल इस्टेट है, व्हीकल्स है, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल है, तो उनसे रिलेटेड है, तो इसलिए जो चांसेस होते हैं कि यू मे गेट इन्वॉल्व इन दैट टाइप ऑफ प्रोफेशन, आइदर एग्रीकल्चर, रियल इस्टेट और व्हीकल और ऑटोमोबाइल एक्चुअली, तो दिस इज वेरी गुड राजयोग। दिस इज फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ पब्लिक आल्सो, हाउस ऑफ मासेस आल्सो, तो यू गेट ए पावरफुल पोजीशन इन द पब्लिक आल्सो। फिर 10th लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, 10th लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, और फिफ्थ हाउस हम जानते ही एक त्रिकोण स्थान है जनरल,
हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है और हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी है। तो वैसे भी जब टेंथ का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाएगा तो क्वाड्रेंट का लॉर्ड ट्राइन में, तो राजयोग अपने आप बन जाएगा। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कैपेबल, हैव लॉट ऑफ क्रिएटिविटी आल्सो। तो ऐसे लोग बहुत स्टेट्समैन, स्कॉलर, प्रोफेसर, राइटर, एक्टर, आर्टिस्ट, अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन, बिकॉज हमने कल बात की थी कि ये जो है एट्थ हाउस है फ्रॉम द टेंथ हाउस, तो दिस इज द हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन आल्सो। बट ये भी ध्यान रखिए कि ये टेंथ हाउस से एट्थ हाउस है, तो एट्थ हाउस भी लाइफ में हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है, हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स को। तो राजयोग के बाद भी जैसे कि थर्ड हाउस में बैठने से प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम देता है, ऐसे ही टेंथ का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठने से भी कुछ प्रॉब्लम एंड हर्डल्स भी देगा आपको। सिक्स्थ हाउस देखा हम लोगों ने कि ये नाइन्थ हाउस है, तो ये एक अच्छी पोजिशन है। और दूसरा, जैसे कल हमने कहा था कि जो पर्सन इज इन्वॉल्व इन द सर्विस एक्चुअली, और सिक्स्थ हाउस हमारा हॉस्पिटल है, प्रिजन है, जुडिशियरी है, सर्जन है, तो इस टाइप के प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व होते हैं। और सिक्स्थ हाउस प्रॉब्लम फ्रॉम द अपोनेंट भी है, तो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि सिक्स्थ हाउस भले ही आपका हाउस ऑफ फॉर्च्यून हो, लेकिन ये हाउस ऑफ अपोनेंट भी है, तो प्रॉब्लम भी साथ में बढ़ती है। फिर टेंथ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, तो नेचुरली हाउस ऑफ बिजनेस, तो मोस्ट द मेन पॉसिबिलिटी इज कि यू गेट इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्चुअली, बिजनेस, जॉइंट वेंचर, डिप्लोमेट्स, पोटेंशियल टू एंगेज अदर्स, यू गेट गुड पार्टनर्स, यू ट्रेवल अब्रॉड एंड प्रोफेशनल फेम सरपासेस ऑल एक्सपेक्टेशंस। तो ये भी एक बहुत अच्छी पोजिशन मानी गई लॉर्ड ऑफ टेंथ हाउस की। एट्थ हाउस है, देखिए जब टेंथ हाउस का लॉर्ड किसी भी त्रिक हाउस में जाता है, या किसी भी हाउस का लॉर्ड जब त्रिक हाउस में जाता है, तो उससे संबंधित दुर्योग बनता है, खराब योग बनता है। बट खराब योग बनने का मतलब है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, आइडल्स आएंगी, इनस्टेबिलिटी होगी, लेकिन वो जो हाउस है वो इलेवेंथ है फ्रॉम द टेंथ हाउस, सो इट आल्सो इंडिकेट गेन्स इन द प्रोफेशन। और जो प्रोफेशन होता है बेसिकली जैसे स्पिरिचुअल टीचर टाइप का, मिस्ट्री, एंड ये जो एट्थ हाउस है, दिस इज द हाउस ऑफ मोरालिटी आल्सो, तो यू हैव हाई प्रिंसिपल्स एज फार एज योर प्रोफेशन इज कंसर्न। टेंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस इज अगेन राजयोग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, तो जो प्रोफेशन मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, स्पिरिचुअल स्टॉलवर्ट है, बैंकर है, मेडिकल है, फिलोसॉफिकल है, या कोई ना कोई हेरिडिटरी प्रोफेशन में भी आप इन्वॉल्व होते हैं, या ट्रेडिशनल एजुकेशन जो आपकी फैमिली में चली आ रही है वो उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, यू गेट द सपोर्ट ऑफ फादर आल्सो। टेंथ लॉर्ड इन द टेंथ हाउस ऑफ कोर्स इज द बेस्ट पोजिशन, यू गेट एवरीथिंग इन द प्रोफेशन, फेम, एमिनेंस, नेम, स्टेटस, एवरीथिंग एक्चुअली, तो दैट इज सपोज टू बी अ गुड पोजिशन एज फार एज लॉर्ड ऑफ टेंथ हाउस इज कंसर्न। इलेवेंथ हाउस जो है वो सेकेंड है टेंथ हाउस से, यू गेट लॉट ऑफ वेल्थ एक्चुअली, फॉर्चुनेट, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स, और ये जो हाउस है इसमें आप सी प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, मिल्क है, एंड इट आल्सो इंडिकेट सक्सेस, रिस्पेक्ट एंड एक्सलेंट अपॉर्चुनिटीज आल्सो। टेंथ लॉर्ड इन द ट्वेल्थ हाउस इज नॉट सपोज टू बी गुड पोजिशन, क्योंकि ये हाउस ऑफ लॉसेस का है, एक्स्ट्रावेगेंस का है। बट जैसे मैंने कहा कि दिस इज द हाउस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट आल्सो, तो फॉरेन इनकम को भी इंडिकेट करता है, लेकिन जो प्रोफेशन का सवाल है उसमें इनस्टेबिलिटी, यूज अनस्क्रूपलस बिजनेस मींस, एंड द सच टाइप ऑफ पर्सन शुड बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल डीलिंग विद द गवर्नमेंट, तो उनसे भी जो है इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये पोजीशन है जब टेंथ लॉर्ड जो है वो इन डिफरेंट हाउसेस में होता है। इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं प्रोफेशन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लोग ये पूछते हैं कि वेदर आई शुड परस्यू सर्विस एज ए प्रोफेशन और आई शुड गो फॉर द बिजनेस एज ए प्रोफेशन। और बहुत बार आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो सर्विस के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता, उनका
हॉरोस्कोप को बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं तो फेलियर होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जिनका हॉरोस्कोप बिजनेस के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता, अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो टोटल फेलियर होते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम देख लें कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है प्रोफेशन की और सर्विस की और बिजनेस की, तो उससे हम एक बहुत अच्छा एक इंडिकेशन मिल जाता है कि किसी भी व्यक्ति को सर्विस करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। और ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि हर व्यक्ति पूछता भी है कि हमें कौन सा प्रोफेशन सूट करना करेगा, या तो सर्विस या बिजनेस। तो लेट्स हैव सम आइडिया कि हम कैसे देखते हैं कि हमें सर्विस सूट करेगा या बिजनेस सूट करेगा। कुछ चीजें हैं जो बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उनका सर्विस में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है या सर्विस में हमें उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती, जैसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, करेज एंड द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। बिजनेस में आपको पता है कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए और बहुत बार आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, हिम्मत दिखानी पड़ती है, तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए सो दैट यू कैन स्टैंड अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, क्योंकि लाइफ में बिजनेस के में बहुत बीच बीच में बहुत परेशानियां भी आती हैं, बहुत लाइफ में ऑड्स भी आते हैं, तो उनको फेस करने के लिए आपको ये सब चीजें होनी चाहिए। अब इसकी कोई सर्विस में जरूरत नहीं है आपको, लेकिन बिजनेस में इन चीजों की बहुत जरूरत है। दूसरा, फोरसाइटेडनेस एंड इंटेलिजेंस। फोरसाइटेडनेस मतलब यू शुड हैव अ गुड विजन कि आप फोरसी कर पाए कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है और उसके हिसाब से आप बिजनेस को एक्सपेंड करें, डाइवर्सिफाई करें, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, तो वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि आज जो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 5 साल के बाद हो सकता है कि उसकी जो टोटल वैल्यू जीरो हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, तो वो फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए या इंटेलिजेंस होना चाहिए जिससे कि आप देख पाए कि भविष्य में क्या होने वाला है। और सर्विस में इसकी जरूरत नहीं है फिर, लेकिन बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदरवाइज आप फेल्योर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत इंडस्ट्री आप देखते हैं कि आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है और 5 साल के बाद टोटली इररेलेवेंट हो जाती है वो। फिर राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, और या हम कहें कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। अब सर्विस में तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके बॉसेस हैं, जूनियर हैं, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं होता वहां पर, लेकिन बिजनेस में यू नीड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, बिकॉज़ नोबडी विल कम टू योर रेस्क्यू, नोबडी विल हेल्प यू, यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस। तो वो एक आपके अंदर खासियत होनी चाहिए कि यू शुड बी एबल टू मेक योर ओन डिसीजंस, और इसकी भी रिक्वायरमेंट सर्विस में नहीं है कि सर्विस में आपको अपने आप डिसीजन नहीं लेने पड़ते, बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट। देन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कीप इट गोइंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएंगी, उनको फेस करने के लिए यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कीप इट गोइंग, कि आप परेशान ना हो जाए, आप बढ़ते रहें आगे जो है। फिर जो और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस depends entirely on your public relations, so good relation with the business world wo bahut important hai. Jab tak aapki relationship achhi nahi hogi, you cannot be successful in the business. Aur usse bhi zyada important hai paisa. Aapko business shuru karna hai, expand karna hai, diversify karna hai, new product add karna hai, new business shuru karna hai, every time you have to pump in lot of money also. So us point of view se bhi jo hai मनी जो है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, कि अनलेस यू आर एबल टू मैनेज द मनी, अनलेस यू हैव दोस कंडीशंस इन द हॉरोस्कोप व्हिच इनेबल यू टू मैनेज द मनी, तब आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, और इन रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम बता सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट है, कौन सा हाउस है विच शुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर ए बिजनेस पर्सन। इसके अलावा दो तीन चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं कि सिक्स एंड सेवेंथ हाउस, कि सिक्स हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है तो नेचुरली योर एप्टीट्यूड इज टुवर्ड सर्विस,
सेवेंथ हाउस अगर स्ट्रांग है योर एप्टीट्यूड टुवर्ड द बिजनेस। इसके अलावा भी जो नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस इट इंडिकेट्स बॉसेस बॉसेस एंड फिफ्थ हाउस इंडिकेट सबऑर्डिनेट्स। तो जब भी फर्स्ट हाउस या लग्न का एसोसिएशन नाइन्थ हाउस के साथ होता है, जब भी फर्स्ट हाउस या लग्न का एसोसिएशन नाइन्थ हाउस के साथ होता है, तो यू वुड लाइक टू बी योर ओन बॉस। यू वुड लाइक टू बी योर ओन बॉस मीन्स यू हैव नो एप्टीट्यूड टुवर्ड द सर्विस, यू कैन नॉट वर्क अंडर सबऑर्डिनेशन। तो जब भी आप देखेंगे कि लग्न का एसोसिएशन नाइन्थ हाउस के साथ होगा, ऐसे व्यक्ति सर्विस में टोटल फेलियर होते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट वर्क अंडर सबऑर्डिनेशन। और जब लग्न का और फिफ्थ हाउस का एसोसिएशन होता है, तो सच पीपल आर रियली दे डू वेल इन द सर्विस बिकॉज दे हैव नो प्रॉब्लम इन वर्किंग अंडर सबऑर्डिनेशन। तो ये भी एक एस्पेक्ट है बिजनेस और सर्विस को एग्जामिन करने का। वी कैन सी वेदर वी हैव दिस एसोसिएशन ऑफ फर्स्ट हाउस विद द नाइन्थ हाउस और एसोसिएशन ऑफ फर्स्ट हाउस विद द फिफ्थ हाउस, और वेदर सिक्स्थ हाउस इज स्ट्रॉन्गर और द सेवेंथ हाउस इज स्ट्रॉन्गर। और कभी कभी होता भी है कि दोनों सिक्स्थ और सेवेंथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, सिक्स्थ और सेवेंथ हाउस दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऐसे लोग आप देखते हैं सर्विस भी करते हैं और साथ में बिजनेस भी करते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी जो है, और ऐसा टाइम आता है कि जब आप सडनली सोचते हैं कि नहीं मैं बिजनेस मुझे शुरू करना चाहिए, तो जस्ट चेंज ओवर फ्रॉम सर्विस टू बिजनेस। एक्चुअली जब सिक्स्थ और सेवेंथ हाउसेस आर ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली स्ट्रॉन्ग आल्सो, तो इनको ध्यान में रखते हुए हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमें बिजनेस के लिए कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस, कौन सा साइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, तब हम बिजनेस हमें परसू करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रोफेशन में पर्टिकुलरली सक्सेस होने के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि फर्स्ट हाउस हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको अच्छा स्टेटस लेना है प्रोफेशन में, अच्छा स्टेटस लेना है प्रोफेशन में, तो फर्स्ट हाउस को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टेंथ हाउस कर्म का घर है, और कर्म आप जब भी करेंगे जब आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी, आपके अंदर पोटेंशियल होगा, मेंटल स्ट्रेंथ होगी, विल पावर होगा, डिटर्मिनेशन होगा, कुछ एप्टीट्यूड होगा, अदरवाइज आप प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो प्रोफेशन के लिए फर्स्ट हाउस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, एंड अनलेस फर्स्ट हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल और यू कैन नॉट अचीव अ पर्टिकुलर स्टेटस इन द प्रोफेशन। आप देखिए किसी का भी ये हॉरोस्कोप, जिन व्यक्तियों ने बहुत अच्छा स्टेटस मिला हो प्रोफेशन में, आप हमेशा देखिए कि फर्स्ट हाउस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट हाउस ऐसे लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो बिजनेस के लिए जैसे हमने कहा कि फर्स्ट और नाइन्थ हाउस का जब एसोसिएशन होता है, तो यू हैव एन एप्टीट्यूड ओनली टुवर्ड द बिजनेस। फिर बिजनेस के लिए जो हमने बात की अभी वेल्थ की, और वेल्थ के लिए हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा वेल्थ एंड फैमिली बिजनेस है। सेकंड हाउस हमारा वेल्थ एंड फैमिली बिजनेस है। और वैसे भी ये सिक्स्थ हाउस से नाइन्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस से नाइन्थ हाउस है। तो सिक्स्थ हाउस हमने कहा कि दैट इज द हाउस ऑफ फॉर्चून इन द प्रोफेशन, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करना हो, नया काम शुरू करना हो, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये हमारा वेल्थ त्रिकोण का भी जो लग्न है, सेकंड सिक्स्थ एंड टेंथ हाउसेस होते हैं वेल्थ त्रिकोण में, तो वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बिजनेस में बार बार पैसे की समस्या आती है। जब तक सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा आपका, आप पैसा मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सेकंड हाउस है, वेल्थ त्रिकोण है, या सेकंड हाउस से जो केंद्र स्थान होते हैं वो भी वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो खास तौर से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर पैसे का आपको अरेंजमेंट करना है, और अगर
possibility hai ki you get involved in the family business, then also second house is important. Phir humne kaha ki you should have a strong determination. You should have a desire to keep it going actually. You should have a risk-taking capability in business. Jo ki in cheezon ki bilkul bhi जरूरत नहीं है सर्विस के लिए. और जब भी हम इन चीजों की बात करेंगे, करेज, एडवेंचर, कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग, तो नेचुरली थर्ड हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ हॉरोस्कोप ऑफ अ बिजनेस पर्सन. थर्ड हाउस और इसका जो सिग्निफिकेटर है वो मार्स है. तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं या बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं उनके लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और साथ में जो थर्ड हाउस है दैट शुड आल्सो बी वेल प्लेस्ड. और जब तक वो थर्ड हाउस या मार्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा अब बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती. और जो सैटर्न है, सैटर्न बिहेव्स लाइक एक्सपीरियंस्ड पर्सन. सैटर्न जो है वो एक इज एन ओल्ड पर्सन और यू कैन से एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन और ए मैच्योर पर्सन. तो जब भी सैटर्न थर्ड हाउस में होता है तो कहते हैं कि ऐसे लोग दे एक्सेल इन हैंडलिंग द ऑड सिचुएशन. कोई भी अगर ऑड सिचुएशन आती है तो उसको बहुत ही एज एन एक्सपीरियंस पर्सन उनको आप हैंडल करते हैं एंड दे हैव ट्रिक्स टू ग्रो एंड एक्सपेंड. और कहते हैं कि क्योंकि ये सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपीरियंस तो इसलिए ऐसे लोगों का जिनका कि सैटर्न थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है कुछ एक्सपीरियंस के बाद या कुछ टाइम के बाद या नॉर्मली 35 इयर्स के बाद जो है बिजनेस फ्लरिश होता है. फिर हमारा फिफ्थ हाउस बिजनेस के लिए, क्योंकि हमने कहा कि राइट डिसीजन एट राइट टाइम, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, वो हम फिफ्थ हाउस से आता है. तो इसलिए बिजनेस के लिए आपका फिफ्थ हाउस भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. बिजनेस के लिए फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. और सेवन्थ हाउस हमने कहा कि ये हमारा बिजनेस का है ही हाउस, तो इसमें जितने भी हम एग्रीमेंट, पार्टनरशिप, जो सब हम सेवन्थ हाउस से कंट्रोल होते हैं. और जो कहा कि डिजायर टू कीप इट गोइंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, तो दैट आल्सो कम्स फ्रॉम सेवन्थ हाउस. और सेवन्थ हाउस आल्सो इंडिकेट योर पीआर एक्टिविटीज, हाउ यू मेंटेन रिलेशंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड. तो वो भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेवेंथ हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. इलेवेंथ हाउस है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, ड्रीम्स है, एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, जो ये सारी चीजें हम बिजनेस में करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है. तो नेचुरली अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो इलेवेंथ हाउस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ट्वेल्थ हाउस कहते हैं कि अगर हम बहुत बड़ा कोई बिजनेस करते हैं और उसमें हमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ट्वेल्थ हाउस. तो बहुत बड़े जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए ट्वेल्थ हाउस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और जहां तक प्लैनेट का सवाल है, हमने देखा कि मंगल शुड बी स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस. और जहां तक जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का सवाल है उसके लिए मर्करी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कि जब तक आपका मर्करी स्ट्रांग नहीं होगा, आप मानकर चलिए कि मर्करी स्ट्रांग नहीं होगा तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस. एक्चुअली मर्करी हैज टू बी वेरी स्ट्रांग एक्चुअली, क्योंकि जो इसमें डिसीजन मेकिंग है बार बार इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, इट नीड्स योर विजन, इट नीड्स योर फोरसाइटेडनेस और इट नीड्स टू सर्वाइव इन द मार्केट और टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद द बिजनेस वर्ल्ड एंड होल्ड देम टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो सब चीजें जो है वो मर्करी से ही आती हैं. तो इसलिए मर्करी का रोल बिजनेस के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है. और कहते हैं कि टेंथ हाउस का एसोसिएशन जब सेकंड, सेवेंथ और इलेवेंथ हाउस के साथ होता है तो इंडिकेट सक्सेस इन बिजनेस. और बिजनेस में अगर आपको अगर बहुत सक्सेसफुल होना है तो नेचुरली यू शुड हैव सम गुड योगा आल्सो इन द हॉरोस्कोप. धन योग है, राज योग है, वो आपके हॉरोस्कोप में होने चाहिए. और खास तौर से जो पांचवें स्थान है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है दैट इंडिकेट ग्रोथ थ्रू योर ओन एफर्ट्स. तो वो जरूरी है बिजनेस के लिए. तो उपाचे स्थान कोई भी जो नेटिव बिजनेस में इन्वॉल्व होता है उसके लिए उपाचे स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं.
और जहां तक सर्विस का सवाल है, हमने अभी बात की कि जब लग्न और फिफ्थ हाउस का एसोसिएशन होता है तो योर एप्टीट्यूड इज टुवर्ड द सर्विस, और यू कैन बी सक्सेसफुल इन द सर्विस, यू कैन एक्सेल इन द सर्विस, यू कैन वर्क अंडर सबऑर्डिनेशन। और सर्विस में भी जो हाई सैलरीड जॉब होते हैं वो हम सेकेंड हाउस से देखते हैं कि जब सेकेंड हाउस स्ट्रांग होता है देन ओनली देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हाई सैलरीड जॉब और द हाई पैकेज इन द सर्विस, अदरवाइज नहीं होता। और सिक्स हाउस हमने देखा ही हाउस ऑफ सर्विस है, तो जब भी टेंथ हाउस का एसोसिएशन सिक्स हाउस के साथ होता है तो हम कहते हैं कि आप सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं। और जैसा कि बिजनेस के लिए टेंथ लॉर्ड विद सेकंड सेवेंथ एंड इलेवेंथ, यहाँ पर टेंथ लॉर्ड विद सेकंड सिक्स एंड इलेवेंथ हाउसेस। और सर्विस में जो आपको अच्छी पोजीशन मिलती है या स्टेटस ऑफ हाई अथॉरिटी मिलता है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक सन और सैटर्न स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको बहुत जो स्टेटस विद अथॉरिटी नहीं मिलेगा या गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पोजीशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीजें जो है सर्विस के लिए जरूरी हैं। तो ये नेचुरली क्वेश्चन आता है कि हमें सर्विस करनी चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए, तो इन सब चीजों को एग्जामिन करने के बाद वी कैन हैव सम आइडिया कि आपके लिए सर्विस सूट करेगा या बिजनेस सूट करेगा। और एक दो एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं जस्ट टू क्लैरिफाई द पोजिशन। एक्चुअली लेट्स सी दिस हॉरोस्कोप एंड लेट्स से कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हम कैसे इसको एग्जामिन करते हैं। तो पहली चीज मैंने कहा कि कोई भी अगर आपको बहुत अच्छा स्टेटस मिलना है, किसी भी प्रोफेशन हो, सर्विस हो या बिजनेस हो, उससे मैटर नहीं करता, बट लगना हैज टू बी स्ट्रांग। अगर लग्न स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको बहुत अच्छा स्टेटस प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। तो यहाँ लग्न की क्या पोजीशन है, लग्न को आप देखिए यहाँ पर, तो लगन स्ट्रॉन्ग है सर। सर कैसे? एक तो शनि एस्पेक्ट कर रहा है अपने अपने लगन को, और वेरी दूसरा गुड, गुरु भी है और चंद्र भी बैठा है, और 8th हाउस से वीनस भी देख रहा है 12th हाउस को, और मरकुरी भी देख रहा है 2nd हाउस। पहली चीज जैसा आपने कहा सिद्धार्थ जी ने कि शनि जो है वो सैटर्न लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस है, वो इसको एस्पेक्ट कर रहा है, ये शनि है, शनि इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो इट मेक्स ए राजयोगा कंसर्निंग द फर्स्ट हाउस। दूसरा, फर्स्ट हाउस के ऊपर तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, जिसको हमने कहा था लग्नादि योग जो बनता है, जुपिटर तो है ऑलरेडी यहाँ पर, मून भी है। हाँ वीनस यहाँ पर है और मरकरी यहाँ, तो तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन फर्स्ट हाउस के साथ है, तो लग्न को लग्नादि योग कहते हैं या लग्न बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा, मून के साथ भी तीनों बेनिफिट का एसोसिएशन है, मून इज वेरी वेल प्लेस्ड, और मून के साथ भी जुपिटर है, वही पोजिशन वीनस है, यहां मरकरी है, तो चंद्राधि योग हम कहते हैं इसको, चंद्राधि योग। तो लग्न और मून आर सो पावरफुल इन दिस केस, लग्न एंड मून आर सो पावरफुल इन दिस केस। फिर सन को देखिए, सन की क्या पोजीशन है, एग्जॉल्टेड है, अपनी राशि में है। हाँ, अपनी राशि में है और इसके साथ भी तीनों बेनिफिट का एसोसिएशन है, जी वीनस मरकरी और जुपिटर। जी यू विल नॉट फाइंड सच ए गुड हॉरोस्कोप कि जिसमें लग्न के साथ भी तीनों बेनिफिट का एसोसिएशन है, मून के साथ भी तीनों बेनिफिट का एसोसिएशन है, सन के साथ भी तीनों बेनिफिट प्लैनेट का एसोसिएशन।
तभी आपको पोजीशन मिलती है। कुछ ना कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, जब भी आपको इस टाइप की पोजीशन मिलती है तो नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, ऐसा नहीं हो सकता एक्चुअली में। तो यहाँ पर लग्न सन मून तीनों जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि लग्न का एसोसिएशन विद द नाइन्थ हाउस, लग्न का एसोसिएशन विद द नाइन्थ हाउस यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा? जो लग्न का लॉर्ड सैटर्न है वो नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, लग्न का लॉर्ड शनि है वो नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो दैट आल्सो हैज एन इंडिकेशन की। और यहाँ पर लग्न और फिफ्थ हाउस का एसोसिएशन नहीं है, आप देखिए किसी भी तरह से लग्न और फिफ्थ हाउस का एसोसिएशन नहीं है, बट लग्न और सेवेंथ हाउस का एसोसिएशन है। फिर सेकंड हमने कहा था कि सेकंड हाउस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस पर्सन के लिए, सेकंड हाउस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर सेकंड हाउस की क्या पोजीशन है? सर सेकंड हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा है जुपिटर, और मरकरी का एस्पेक्ट है, मरकरी देख रहा है सेकंड हाउस को। और कुछ सर? जुपिटर का एसोसिएशन है क्योंकि सर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर के घर पे राहु बैठा हुआ है और राहु सेकंड हाउस में एग्जिल पे मून। सर एक्चुअली सर एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि राहु और गुरु का इंटरचेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि गुरु जो बैठा है वो शनि की राशि में बैठा है और राहु गुरु की राशि में बैठा है, तो वो भी कह सकते हैं सर? नहीं वो एक्सचेंज नहीं कहेंगे। एक हमने जब पूरा चार्ट डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि जब फर्स्ट और सेकंड हाउस का एसोसिएशन होता है आपस में, एंड एसोसिएशन में भी बाय वे ऑफ एक्सचेंज, बाय वे ऑफ म्यूचुअल एस्पेक्ट और बाय वे ऑफ सिटिंग बोथ द लॉर्ड्स टुगेदर, तो एक बहुत पावरफुल धन योग बनता है जिसको हम अत्यंत धन लाभ योग कहा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस का एसोसिएशन कैसे हो रहा है? जुपिटर और सैटर्न जो है ये फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड है जो एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इससे ये इस मेक्स ए वेरी पावरफुल धन होगा। और दूसरा ये भी कहा था हमने कि जब फर्स्ट और इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड एक्सचेंज करते हैं या सेकेंड और इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड एक्सचेंज करते हैं तो भी एक बहुत पावरफुल धन योग बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये सेकंड और इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड एक ही है, सेकंड और इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर का दोनों के साथ एसोसिएशन हो रहा है, सेकंड हाउस का भी और इलेवेंथ हाउस का भी, सेकंड हाउस के लॉर्ड का भी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ एसोसिएशन हो रहा है और इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड का भी हो रहा है, तो दे कैन नॉट बी बेटर धन योग देन दिस, कि बहुत पावरफुल धन योग हो गया, बहुत पावरफुल। हाँ। तो जैसे हम राहु की भी जो राशि है वो शनि की गिनते हैं ना, जो कुंभ राशि है एक्चुअली देखा जाता है। नहीं राहु की राशि नहीं गिनते, हम कहते हैं कि राहु का नेचर है। नहीं नहीं राहु का नेचर है इज लाइक सैटर्न, जैसे सैटर्न प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाय नेचर नॉट बाय द रिजल्ट्स, कि जैसे हर प्लैनेट का नेचर होता है, जुपिटर का नेचर अच्छा करने का है, शनि का नेचर बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने का भी है, तो राहु का नेचर भी वही है प्रॉब्लम क्रिएट करने का, कंफ्यूजन क्रिएट करने का, हर्डल्स क्रिएट करने का, कुछ ना कुछ उसमें शरारत क्रिएट करने की, तो वो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं ना कि रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शनि राहु जो है वो शनिवत होता है और केतु जो है वो मंगल एक्ट करता है एक्चुअली में, तो नेचर है वो उनका।
और जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है कि ये जो राहु केतु हैं, इनके ऊपर किन प्लैनेट का एसोसिएशन है, किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है, कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसके रिजल्ट देते हैं, या अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो जिस साइन में प्लेस्ड होते हैं उसके रिजल्ट देते हैं। अब जैसे यहाँ पर राहु की मरकरी एस्पेक्ट कर रहा है, राहु वो मरकरी, तो राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ मरकरी, नॉट जुपिटर। एक्चुअली राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ मरकरी इन दिस केस। राहु सेकेंड हाउस में एग्जल्टेड होता है, सेकेंड हाउस में एग्जल्टेड होता है, मतलब वो मेष लग्न में होगा ना। अच्छा हाँ हाँ, लग्न मेष होगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड हाउस है इट्स रियली वेरी वेल प्लेस्ड सेकंड हाउस। फिर हम इसको देखें थर्ड हाउस, हमने कहा कि थर्ड हाउस एंड मार्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, थर्ड हाउस एंड मार्स दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अदरवाइज आप के अंदर जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, करेज है, डिटर्मिनेशन है, वो नहीं आएगा। तो थर्ड हाउस की क्या पोजिशन है यहाँ पर? थर्ड हाउस का कारक मार्स है और वो उसको देख रहा है। हाँ, लॉर्ड उसको देख रहा है और थर्ड हाउस के ऊपर कोई बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। आप देखिए कोई भी मैलिफिक बेनिफिक किसी का इन्फ्लुएंस नहीं, सिर्फ मंगल जो है वो अपनी राशि को देख रहा है, तो विच मेक्स दिस थर्ड हाउस वेरी स्ट्रॉन्ग। और जहां तक मंगल का सवाल है, मंगल को पहली चीज तो एट्थ का टेंथ हाउस का लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, टेंथ लॉर्ड इन द, हाँ योग कारक नहीं है, केंद्र का लॉर्ड का लॉर्ड त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो राजयोग कारक है। और दूसरा मंगल के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी है, मंगल के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी है, तो मंगल भी स्ट्रांग है, थर्ड हाउस भी बहुत स्ट्रांग है इस केस में, मंगल भी स्ट्रांग है और थर्ड हाउस भी जो है वो स्ट्रांग है। फिर फिफ्थ हाउस की क्या पोजिशन है यहाँ पर? फिफ्थ का लॉर्ड पहले एग्जॉल्टेड है और जुपिटर का एस्पेक्ट है उसके ऊपर, फिफ्थ हाउस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है जी। और कोई भी एक भी किसी भी मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है वहां पर, एक भी मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, तो नेचुरली फिफ्थ हाउस भी स्ट्रांग हो गया, फिफ्थ हाउस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया। और सेवेंथ हाउस को आप देख ही रहे हैं, सेवेंथ हाउस को सन अपनी राशि में बैठा हुआ है, सन बहुत पावरफुल है, हाँ, और लग्न का लॉर्ड के साथ, माय गॉड, हेलो, तो फिफ्थ हाउस इज स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, एंड सेवेंथ हाउस वी सेड दैट सन अपनी राशि में है और इसको तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, सन के साथ जो है सूर्यादि योग बन रहा है और इसीलिए सेवेंथ हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि सन के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। और दूसरा ये भी है कि ये गज केसरी योग भी बन रहा है, मून और जुपिटर का यहाँ पर एसोसिएशन है। और yes, sir, yes. हाँ, और अगर हम थोड़ा सा सिक्स हाउस को भी देखें, क्योंकि सिक्स हाउस तो जनरल है फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन, तो सिक्स हाउस की क्या पोजिशन है यहाँ पर? सिक्स हाउस नाइन्थ से इलेवेंथ है सर, नहीं हम ये टेंथ से देख रहे हैं, टेंथ से नाइन्थ एक्चुअली, तो टेंथ, हाँ जी टेंथ से नाइन्थ करेक्ट, हाँ, तो प्रोफेशन का भाग भी है, तो नेचुरली जब तक सिक्स हाउस स्ट्रांग नहीं होगा हम प्रोफेशन में भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सिक्स हाउस का लॉर्ड लगन में है, हाँ, पहली चीज तो
सिक्स्थ हाउस में वीनस का प्लेसमेंट है जो कि योग कारक प्लैनेट है, योग कारक प्लैनेट है, और इसका लॉर्ड लग्न में है मून। मून इज वेरी पावरफुल इन दिस केस, अभी हमने देखा, और वैसे भी सिक्स का लॉर्ड एट्थ में सपोज टू बी वेरी गुड राजयोग आल्सो, कि सिक्स हाउस के जो नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं उनको खत्म करता है। और यहाँ आप देख चुके हैं कि मून जो है बहुत स्ट्रांग है, साइन डिस्पोजिटर भी जो है यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, और इसके जो कारक होते हैं हाउस के मार्स एंड सैटर्न ऑल आर वेरी स्ट्रांग इन दिस केस, तो सारे के सारे पावरफुल हैं। फिर सेवेंथ हाउस को देखा स्ट्रांग है ये, आप एट्थ हाउस को भी देख चुके हैं, सैटर्न है उसका कोई फर्क नहीं है, लग्न का लॉर्ड है ना यहाँ पर ये, अच्छा, लग्न का लॉर्ड है। हाँ, और लग्न के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन है एक तरह से हम ये कहेंगे। और एट्थ हाउस में हम देख ही लिया कि ये एग्जॉल्टेड मर्करी का प्लेसमेंट है और कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, इधर से जुपिटर भी देख रहा है, जुपिटर मर्करी का, जुपिटर का भी एक तरह से एसोसिएशन हो जाता है। जहां तक टेंथ हाउस का सवाल है, टेंथ हाउस की क्या पोजिशन है? हाँ जी सर, केतु इन एट से राहु का एस्पेक्ट है, ओनली राहु टेंथ का लॉर्ड ट्राइन हाउस में, नाइन्थ में। नहीं, आप कौन से हाउस की, मैं क्या निराकार जी एट हाउस की बात कर रहे हैं? अच्छा सर, केतु, अगर केतु है तो डेथ विल बी मिस्टीरियस, पता भी नहीं चलेगा कैसे डेथ हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ सर। अगर केतु या राहु एट हाउस में होंगे तो डेथ उसका जो है बड़े मिस्ट्रेस होगा उसको, जैसे ये सुशांत सिंह राजपूत की तरह, पता भी नहीं चलेगा डेथ कैसा हुआ, बड़ी लंबी टाइम का बाद पता चलेगा। हाँ, मिस्ट्री है वो तो अलग चीज है, बिकॉज इस हाउस ऑफ मिस्ट्री आल्सो, तो वो अलग बात है। बट जहां तक यहाँ पर जो पोजिशन है एट हाउस की, वो अच्छी पोजिशन है, खराब नहीं है। और यहाँ पर जो नाइन्थ हाउस की क्या पोजीशन है? इसका लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है। हाँ, इसका लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि टेंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, सो इट मेक्स अ वेरी गुड राजयोग एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, क्योंकि केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में हो गया यहाँ पर, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, तो बहुत अच्छी पोजिशन हो गई। और इलेवेंथ हाउस की इसका लॉर्ड फर्स्ट में है, हाँ, तो बहुत अच्छी पोजीशन है, ये आप देख चुके हैं। तो सारे प्लैनेट, सारे हाउसेस जो जरूरी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हैं हाँ जी, सारे हाउसेस, सारे प्लैनेट जो हम लोगों ने डिस्कस किए बिजनेस के लिए, वो इसमें सारे स्ट्रॉन्ग है, एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो कि हम कहें कि खराब हो इसके अंदर जो है। और सर, हाँ, सिर्फ सेकंड हाउस का बता दीजिए प्लीज, सेकंड हाउस का ये स्ट्रॉन्ग कैसे है? सेकंड हाउस मैंने ये कहा कि इसका लॉर्ड लग्न में है पहली चीज, और दूसरा हमने ये कहा था कि जब फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन होता है तो बहुत बड़ा अत्यंत धन लाभ योग कहा था उसको, कि बहुत बड़ा धन लाभ योग होता है सर। इसका फोरा थोड़ा देख सकते हैं? हाँ जी सर, इसका फोरा, फोरा से धन योग जो फोरा धन योग नहीं बताएगा, होरा योग तो हम इसी से देखेंगे। योगा विल ओनली टेल कि हाउ द वेल्थ विल फ्लो, किस पीरियड में आसानी से मिलेगा, किस पीरियड में प्रॉब्लम होगी। तो जैसा यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन कैसे है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शनि है और सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, तो एसोसिएशन कैसे हो सकता है? एक्सचेंज के थ्रू हो, या दोनों एक दूसरे को देखें, या दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हों, तभी तो एसोसिएशन होगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज तो नहीं है, बट दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका लॉर्ड जुपिटर है और इसका लॉर्ड शनि है, तो शनि और जुपिटर जो है वो एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए एसोसिएशन। ओके सर, ओके, थैंक यू। इसलिए, और ना कि फर्स्ट और सेकंड हाउस, बल्कि फर्स्ट और इलेवेंथ हाउस का भी एसोसिएशन। तो बहुत पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स अ वेरी वेरी पावरफुल योगा एक्चुअली। तो
उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग। और होरा चार्ट तो आपको बताएगा कि हाउ द वेल्थ विल फ्लो। और इसमें देखिए आप, ज्यादातर प्लैनेट किसके होरा में है? मून के होरा में है। मून के होरा में है। और वीनस किसके होरा में है? सन के। सन के। तो जैसे ही सन का वीनस का पीरियड शुरू हुआ, द पोजिशन चेंज्ड। एक्चुअली पोजिशन चेंज्ड, जो पहले जो भी प्लैनेट थे वो मून के होरा में थे, और ये वीनस पहला प्लैनेट आया जो सन के होरा में है। तो सन का होरा शुरू होते ही पोजीशन में चेंज आ गया। जो पैसा आसानी से मिल रहा था या सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसमें ब्रेक लग गया। नहीं लेकिन सर, पैसा तो तब भी मिलेगा ना? पैसा मिलेगा, लेकिन जो जिस तरह से मिल रहा था आसानी से जो है वो खत्म हो गया। नया आपको बिजनेस शुरू किया, नए एफर्ट्स करने शुरू किए, नए काम करने शुरू किए, तो उसमें फिर एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। पैसा तो मिलेगा क्योंकि बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सारे प्लैनेट जो इससे पहले जो दशा आई थी वो इसमें थे। सैटर्न, मरकरी, केतु, तीन प्लैनेट इसी में थे। और सैटर्न मरकरी 36 और 7 43 इयर्स हो गए। 43 इयर्स से लगातार उन्हीं की दशा चल रही थी जो इसके उसमें थे, मतलब शुरू से ही उनकी दशा चल रही थी एक तरह से। पहली बार वीनस का पीरियड आया जब प्रॉब्लम शुरू हुई, वीनस जो है वो सन के होरा में। और इसके अगर एक कंट्रास्ट में देखें, अगर हम suppose this person is pursuing business, started business. So we want to know whether he will be successful in business or not. So, कैसे आप देखेंगे इसको जो? अब हम सबसे पहले तो लग्न ही देखना है। सबसे पहले हम लग्न को देखें कि लग्न की क्या पोजीशन है। तो लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर? लग्न लॉर्ड 12th हाउस में है। लगन लॉर्ड 12th हाउस में नीच का है। लगन लॉर्ड 12th हाउस में नीच का है। और नीच भंग राजयोग हो रहा है नहीं हो रहा है? लगन लॉर्ड 7th का है, विनस विनस इन 6th हाउस नहीं हो रहा। रुको रुको रुको, नहीं हो रहा सर। नीच भंग भी नहीं। और राहु की भी दृष्टि है सर। लगन लॉर्ड इन द 12th हाउस, एसोसिएशन ऑफ सैटर्न एंड राहु। सैटर्न और राहु का एसोसिएशन नीच का है। और वैसे भी हम कहते हैं कि लग्न का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो इस दरिद्र योग। हाँ, दरिद्र योग भी, मतलब बहुत ही एक राजा भी रंग हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है। तो किसी भी तरह से लग्न स्ट्रांग नहीं है। फिर अगर हम देखें कि फर्स्ट और 9th हाउस का एसोसिएशन हो रहा है या फर्स्ट और 7th हाउस का एसोसिएशन हो रहा है इसमें? फर्स्ट और 5th हो रहा है। बट सर, सर वीनस इन 12th हाउस इज गुड। गुड फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू? फिजिकल प्लेजर। हाँ, तो फिजिकल प्लेजर की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी को भी मिल सकते हैं। What we are talking is your capability. हम लग्न की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रेशर तो आप किसी को भी दिला दीजिए, कुछ बिना कैपेबल आदमी। हम इस समय बात कर रहे हैं कर्म की, कि आप कर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सर फर्स्ट और फिफ्थ का कंजंक्शन है सर। हाँ, फर्स्ट और फिफ्थ का है, फर्स्ट और सेवेंथ का नहीं है एसोसिएशन कभी भी। तो फर्स्ट और सेवेंथ का है ही नहीं, फर्स्ट और नाइन्थ का है ही नहीं, तो बिजनेस का एप्टीट्यूड भी नहीं है आपका। तो यू आर सुटेबल फॉर ए सर्विस क्योंकि सैटर्न और वीनस का एसोसिएशन है आपको, बट यू स्टार्टेड दिस बिजनेस। अब और हाउसेस को देखें, लेट अस से सेकंड हाउस की क्या पोजीशन है? मार्स एक्सॉर्टेड है सेकंड हाउस में। आठ का मार्स एक्सॉर्टेड।
मार्स अपनी राशि में सैटर्न एंड केतु का एस्पेक्ट है सर। सैटर्न एंड केतु का एस्पेक्ट है, तीन मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, एक भी बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है। सैटर्न तीन मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन, और जब तीन मैलिफिक प्लैनेट का मार्स सैटर्न केतु, तो तीन मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होगा तो सेकंड हाउस बेकार हो गया। सेकंड हाउस जो वेल्थ के जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, दैट सेकंड हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड, सेकंड हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड, तो वो भी बेकार है। अगर हम इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब कि मार्च इसमें एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड नहीं अपनी राशि में है, बट जब कोई एक किसी हाउस के ऊपर तीन मैलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है, तीन मैलिफिक प्लैनेट का, तो दैट हाउस गेट्स टोटली डैमेज्ड, वो जीरो हो जाता है फिर वो। ओके सर, ओके। तीन मैलिफिक प्लैनेट का जैसे ही एसोसिएशन हुआ वो जीरो हो गया, बेकार हो गया एक तरह से। तो तीनों मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है यहाँ पर, कहने का मतलब ये। दूसरा थर्ड हाउस, थर्ड हाउस की क्या पोजीशन? सर ये पाप कर्त्री में आ गया मार्स और राहु से। मून का सर, मून का एस्पेक्ट है सर, थर्ड हाउस पाप कर्त्री में आ गया, ये हैम्ड बिटवीन टू मैलिफिक्स, मार्स चल रहा है, पाप कर्त्री योग हो गया, और सैटर्न भी यहाँ पर देख रहा है, राहु है यहाँ पर, तो जो मार्स हमने ऑलरेडी देख लिया, हमने मार्स देख लिया कि जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, बट मार्स इज बैडली अफ्लिक्टेड, मार्स बैडली अफ्लिक्टेड है और हैम्ड है ये बिटवीन मैलिफिक प्लैनेट्स, और बैडली हैम्ड है क्योंकि सैटर्न भी देख रहा है इसको यहाँ पर, तो ये अच्छा नहीं है, थर्ड हाउस भी अच्छा नहीं है, ना ही मार्स अच्छा है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। और अगर हम इसको देखें इलेवेंथ हाउस को, सॉरी फिफ्थ हाउस को, सर सन उच्च का है, उसका एस्पेक्ट है, मरकरी का एस्पेक्ट है, नहीं सन उच्च का नहीं है सर, तो एनिमी है सर, सर तो वो सन तो एनिमी हो गया ना फिर, मार्स का एस्पेक्ट, सो मार्स का भी एस्पेक्ट है सर फिफ्थ हाउस में, और सन का भी एस्पेक्ट है, तो दो मैलिफिक का, हाँ दो मैलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, मार्स का और सन का, और इसका जो लॉर्ड है अपने से एट्थ हाउस में चला गया, अपने से एट्थ हाउस में चला गया, तो वो भी खराब है, वो भी खराब है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। और अगर हम सेवेंथ हाउस को देखें तो जुपिटर, यहाँ तो जुपिटर है ही सर, तो लेकिन इसका लॉर्ड अपने से एट्थ में है सर। Jupiter in 7th house is not a good position. बेकार हो जाता है, और इसके ऊपर जो है लॉर्ड इसका मार्स है, मार्स की पोजीशन आप देख ही चुके हैं, मार्स जो है बैडली अफ्लिक्टेड है, मंगल जो है, और 6th 8th पोजीशन है, हाँ आपस में 8th हाउस में भी चला गया। और इवन अगर हम इसको देखें 10th हाउस को, तो सर ये तो बस कोई पाठ सुनाने वाले पुजारी हो सकता है, लोड ट्रेन में आ गया सर, हाँ राहु के जो सर केतु का केतु है और जुपिटर का ऊपर नहीं, जुपिटर सर इसका लॉर्ड मून है, होने को नाइन्थ हाउस में है, सैटर्न देख रहा है मून को, मून को सैटर्न ही नहीं देख रहा, मार्स भी देख रहा है, मार्स एंड सैटर्न दोनों देख रहे हैं, तो इसलिए किसी भी हाउस की पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है। जो बिजनेस के लिए हमने देखे थे उसमें से कोई भी तो हाउस ऐसा नहीं है जो कि हम कहें कि फेवरेबल है, एक भी हाउस नहीं है सर, इसका जॉब बार बार चेंज होता जाएगा, जॉब तो किया नहीं ना, मैं कहा बिजनेस ही स्टार्टेड बिजनेस करेगा तो भी सर छोटे छोटा बिजनेस करेगा, बार बार चेंज होगा, हाँ बिजनेस ही बस टोटल फेल्योर, चेंज भी नहीं किया कुछ नहीं हुआ, टोटल फेल्योर है मतलब, तो है हाँ, क्योंकि कोई भी हाउस ऐसा नहीं है जो बिजनेस को आपको बढ़ा सके या बिजनेस के लिए सुटेबल है, एक भी हाउस ऐसा नहीं है,
और ऐसे लोगों को तो सर्विस करनी चाहिए, बिजनेस में जाना ही नहीं चाहिए, बिजनेस में जाने का रिस्क लेना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों सर, सर्विस भी बार बार टूटता जाएगा क्योंकि उसका प्रोफेशन हाउस में बैठा हुआ है। सर अगर इनका सिक्स हाउस एक बार एनालाइज करें तो क्या पोजीशन आती है? सिक्स हाउस जो है क्या है ये? जुपिटर इज इन द सेवेंथ हाउस विच इज नॉट ए गुड पोजिशन। और सिक्स हाउस के ऊपर एस्पेक्ट किस प्लेनेट का है? एक तो केतु का है सर, केतु भी है और सैटर्न भी है, सैटर्न भी और वीनस भी है, वीनस का भी। हाँ वीनस भी है तो ऐसे तो फिर मार्स इसको देख रहा है, सन इसको देख रहा है तो बहुत अच्छा नहीं है पोजिशन, सिक्स हाउस की पोजिशन बहुत अच्छी नहीं है। एक भी हाउस ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि बहुत अच्छी पोजीशन है। एट्थ हाउस को भी देखें तो एट्थ हाउस का लॉर्ड भी इसमें नीच का है, अफ्लिक्टेड विद द सैटर्न एंड राहु, तो एक भी नहीं है ऐसा। तो मतलब सर्विस भी अच्छी नहीं है और बिजनेस भी अच्छा, मतलब बिजनेस में तो फेल्यूर होगा, सर्विस आप कर सकते हो बट यू कैन नॉट गेट ए गुड पोजिशन एक्चुअली, बट बिजनेस में तो हाथ डालना ही नहीं चाहिए सर, बहुत गुस्सा वाला बंदा बोलता भक्ता पे है, मंगल इन सेकंड हाउस। सर मंगल सेकंड हाउस में वो बोलता भी बहुत बहुत तेज बोलता होगा जैसे दूसरों को लग जाएगा तो बिजनेस होगा ही नहीं। हाँ मर्करी और सेकंड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए बिजनेस के लिए। सर केंद्र में राहु केतु दोनों नेगेटिव है, इसमें देखिए इसमें क्या पोजीशन, लेट अस से फर्स्ट हाउस, पहले तो कैपेबिलिटी देख लेते हैं कि व्यक्ति की कैपेबिलिटी क्या है। मिथुन का है तो जुपिटर जुपिटर मरकरी मरकरी हां जी सर, मरकरी ने 8th हाउस, सैटर्न हाउस, सैटर्न इज इन सर, एक तो मर्कुरी 8th में है और मार्स का एस्पेक्ट है, राहु का एस्पेक्ट है, सैटर्न का एस्पेक्ट है, सैटर्न इन मार्स हाउस। सर ये भी कोई पहले लग्नादि योग बन रहा है, तीनों बेनिफिट प्लैनेट का एसोसिएशन है लग्न के ऊपर, वो है सर यस लग्न के ऊपर तीनों बेनिफिट प्लैनेट का एसोसिएशन, वीनस ये है, जुपिटर ये है और मर्करी यहाँ पर, तो लग्नादि योग बन गया, लग्न बिकम्स वेरी पावरफुल, लग्न जो है बहुत पावरफुल हो गई इसमें जो है। अब दूसरा यह है कि फर्स्ट हाउस का एसोसिएशन किससे हो रहा है, फिफ्थ हाउस से हो रहा है या सेवेंथ हाउस से हो रहा है, नाइन्थ हाउस से? फिफ्थ हाउस से हो रहा है सर, 8th हाउस से भी हो रहा है, इसका लॉर्ड 8th हाउस में है। 8th हाउस का नहीं कह रहा हूं मैं कि फर्स्ट हाउस का 5th से हो रहा है या 9th से हो रहा है, ये कह रहा हूं 9th से हो रहा है सर, 9th दोनों से हो रहा है सर, दोनों से हो रहा है। यहां पर जो लग्न का एसोसिएशन 5th हाउस से भी हो रहा है क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड लग्न को देख रहा है, 9th हाउस से भी हो रहा है कि 9th हाउस का लॉर्ड सैटर्न इसको देख रहा है, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पर सैटर्न का नीच है, डेबिलिटेटेड है, तो सर नीच भंग हो रहा है सर, कैसे? सर मार्स अपने घर में है ना, 6000 नहीं घर में होने से क्या हुआ, घर में होने से थोड़ी ही नीच भंग हो जाएगा, सर नीच भंग नहीं हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा सेकंड हाउस की क्या पोजीशन है? सेकेंड हाउस का पर मरकरी का नजर है
सर इसका लॉर्ड फोर्थ हाउस में है और सेकंड हाउस को मरकरी एस्पेक्ट कर ये सर मरकरी का घर में है और मरकरी इसका एस्पेक्ट कर रहा है। देखिए पहले तो इसका लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड सर केंद्र में एंड दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर कारक है वेल्थ का एंड नॉट ओनली जुपिटर दिस हाउस इज एन एसोसिएशन ऑफ ऑल थ्री बेनिफिक प्लैनेट्स। जुपिटर का तो एस्पेक्ट है ही है जो कारक है और वीनस यहाँ देख रहा है मरकरी भी उसको देख रहा है तो सेकेंड हाउस बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको हाई सैलरीड जॉब लेना है हाई पैकेज जॉब लेना है तो सेकंड हाउस वेल प्लेस्ड होना ही चाहिए। अगर सेकंड हाउस वेल प्लेस्ड नहीं है जैसे पहले केस में था तो यू कैन नॉट गेट हाई सैलरीड और गुड प्रॉफिट इन द बिजनेस। बट यहाँ पर सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है बिल्कुल भी कहीं से किसी तरह का एफ्लिक्शन नहीं है इसके ऊपर जो है एक भी प्लैनेट का एफ्लिक्शन नहीं है और तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है यहाँ पर तो इसलिए ये हाउस जो है ये भी स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पर सेकंड हाउस। थर्ड हाउस की पोजीशन देखें आप सन अपने घर को देख रहा है सन जो है अपनी राशि को देख रहा है सन जो है अपनी राशि को देख रहा है तो और मार्स इसका जो कारक है मार्स उसकी क्या पोजीशन है लॉर्ड तो सन है यहाँ पर अपनी राशि को देख रहा है लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड और मार्स जो कारक है थर्ड हाउस का केंद्र में यहाँ से केंद्र में हाँ उपाचे स्थान में है यहाँ पर अपनी राशि में है और जुपिटर के साथ प्लेसमेंट है और इसके ऊपर भी कोई मैलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है तो थर्ड हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ हाउस की क्या पोजीशन है इसका लॉर्ड सेवेंथ में बैठा है फिफ्थ का लॉर्ड सेवेंथ में है तो ये राजयोग का लग हो गया और सर नाइन्थ लॉर्ड भी देख रहा है ना इसको हाँ इसको नाइन्थ लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है। दूसरा सिक्स हाउस हमने देखा सिक्स हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका जो टेंथ हाउस के साथ एसोसिएशन भी है टेंथ हाउस के साथ अब ये देखिए यहाँ पर टेंथ के साथ इसका एसोसिएशन है यहाँ तो ये भी एक सर्विस को इंडिकेट करता है ये टेंथ हाउस का लॉर्ड जो है यहाँ पर है राइट। और अगर हम सेवेंथ हाउस को देखें जस्ट फॉर द सेक कि हम सेवेंथ हाउस कैसा है यहाँ पर तो ये वीनस तो होना नहीं चाहिए सेवेंथ हाउस में क्या पोजीशन है सेवेंथ हाउस की खराब पोजीशन है वीनस होने से क्यों जुपिटर और वीनस दोनों हमारे चक्कर में आ गए वीनस और सेवेंथ हाउस का अच्छा है और सैटर्न उसका फ्रेंड है सॉरी जुपिटर की है कंपेयर करें तो सिक्स हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन द सेवेंथ हाउस। सिक्स हाउस बुरा नहीं बोलेंगे ना बुरा नहीं बुरा बुरा बिल्कुल नहीं बोलेंगे बट सिक्स हाउस इज स्लाइटली बेटर देन द सेवेंथ हाउस। Yes. और जैसा मैंने कहा भी था कि जब इक्वली स्ट्रांग होते हैं दोनों तो आपका चेंज ओवर करने का मन करता है चेंज ओवर करने जी, का जी. मन करता है एक्चुअली में और इवन अगर हम ऐसा आदमी दोनों भी कर सकता है ना तो जॉब भी कर सकता है बिजनेस भी कर सकता है बिल्कुल। और अगर हम इसको देखें एट्थ हाउस को सैटर्न का एस्पेक्ट है सन अपनी राशि को देख रहा है सैटर्न सैटर्न अपनी राशि को देखा तो ये भी अच्छा है तो कहने का मतलब है कि वाज इन द सर्विस गेटिंग ए वेरी हाई सैलरीड जॉब और सडनली जैसे ये पीरियड शुरू हुआ समवेयर इसमें वीनस का पीरियड जब शुरू हुआ यहाँ पर वीनस का नहीं बल्कि अभी शनि का पीरियड चल रहा है ना चंद्र का चल रहा था मून का पीरियड चल रहा है हाँ, सैटर्न मून
सर नॉट गुड फॉर यू हाँ तो अभी रिसेंटली ही हैज चेंज्ड ओवर फ्रॉम सर्विस टू बिजनेस एक्चुअली ही हैज मूव्ड टू बिजनेस नाउ मून के पीरियड में क्या क्योंकि ये मून नहीं चेंज ओवर कराता है नॉर्मली सर्विस मिस्टर तो इसमें बिजनेस के उसमें चला गया अभी और अगर हम दशमांश अभी अपने पढ़ा नहीं है तो मतलब यही है कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हाफला ये जो हॉरोस्कोप है इसमें दोनों सुटेबल है दोनों ही हाउसेस ठीक है मतलब सेकंड है थर्ड है जो भी फिफ्थ हाउस है वो सारे हाउसेज स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे व्यक्ति जो है दोनों चीजें कर सकते हैं सर्विस भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं तो इस तरह से हम एग्जामिन कर सकते हैं कि आप जो है किस सर्विस के लिए सुटेबल है आपका हॉरोस्कोप या बिजनेस के लिए सुटेबल है और इसके हिसाब से हम किसी को एडवाइस भी कर सकते हैं कि आपको सर्विस करनी चाहिए बिजनेस को कहता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस उसके लिए सूट करेगा भी या नहीं करेगा ये तो हम बहुत आसानी से देख ही सकते हैं तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि बताने के लिए कि क्या सर्विस ठीक है क्या बिजनेस ठीक है ऐसे हम ये भी देखेंगे कि हर प्रोफेशन की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है हर प्रोफेशन की के लिए कौन से प्लैनेट ठीक होने चाहिए कौन से हाउसेस ठीक होने चाहिए तो अगर हम नेचर जानते हैं प्रोफेशन की या उस प्रोफेशन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी हम बता सकते हैं कि आपका एप्टीट्यूड हॉरोस्कोप के हिसाब से किस प्रोफेशन के लिए है तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर दसवां चार्ट को भी कैसे हम एनालाइज करते हैं उसको भी हम लोग करेंगे एक्चुअली देखेंगे इसको भी तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड नाउ सर 10th लॉर्ड 8th हाउस में क्या प्रोफेशन आप बताए थे सर मैं भूल गया अभी अभी बताया था ना 10th में 10th लॉर्ड विल बी इन 8th हाउस 10th लॉर्ड इन 8th हाउस में देखिए 8th हाउस हमारा जो एक मिस्टीरियस थिंग्स का भी हाउस होता है एक्चुअली में यस सर ये वाला यस सर 8th हाउस में स्पिरिचुअल टीचर मिस्ट्री मींस कि जैसे ये लोग आईबी में है सीआईडी है या विजिलेंस वगैरह में है उस टाइप के भी प्रोफेशन होते हैं ऐसे लोगों के लिए यस सर जैसे कोई स्पाई होता है सर वो भी हाँ, स्पाइंग टाइप का जो होता है उस टाइप का भी होता है यस सर वो जो इमरजेंसी होती है इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर होती है सडन कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया सर बिल्कुल बिल्कुल सर बड़ी दुर्योग दुर्योग मींस बैड योग किसी भी हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में जा रहा है तो इट स्पॉइल्स दैट हाउस इट्स अ बैड योग एक्चुअली जब भी किसी भी हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में जाता है या 8th हाउस का लॉर्ड किसी भी हाउस में जाता है तो उसको डैमेज करता है तो डैमेज तो हम करेगा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनस्टेबिलिटी है प्रॉब्लम है हर्डल्स है वो आएंगे लाइफ में बट साथ में जो है ये हाउस ऑफ गेन्स भी है इन प्रोफेशन तो इसलिए प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हाउस हो जाता है ये है मतलब कहने का सर जैसे हमने अभी स्टेप बाय स्टेप सब चीजें देखी किसी को बिजनेस हाँ. करना चाहिए या किसी को जॉब करनी चाहिए और हमने फर्स्ट हाउस एनालाइज किया सेकंड किया थर्ड किया फिफ्थ किया सिक्स किया सेवन किया ये सब किया तो उस नजर से देखें अगर वो हमको सब चीजें नहीं मिली और हमको सिर्फ उसके कारक मिले सपोज जो बिजनेस का कारक सैटर्न है वो 7th हाउस में प्लेस है हमने ये नहीं कहा हमने एक हाउस को जब हम एग्जामिन करते हैं तो उसमें प्लैनेट की पोजीशन भी उसके लॉर्ड को भी और उसके कारक को तीनों को देखकर इन टोटलिटी हम उसको असेस करते हैं एक चीज से असेस नहीं करते लॉर्ड भी और कारक भी और उसके प्लैनेट की पोजीशन भी चलिए वी विल कंटिन्यू जी सर थैंक यू सो मच गुड नाइट गुड नाइट सर गुड नाइट